सो हेलो एवरीवन, भाई आज आपका स्वागत है फिर एक न्यू वीडियो के साथ। तो भाई मतलब अभी बज गए हैं सुबह के 6 और भाई मतलब आज करेंगे व्लॉग की स्टार्टिंग। तो भाई बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, उसका रीज़न था कि गाड़ी में एक मेजर चीज़ हो चुकी है, मतलब आगे थोड़ा डेंट वेंट लग गया, उसके बारे में बताएंगे। तो भाई चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई मैं तो अपना सुबह बैठ के अपना कॉलेज का काम, ठीक है ये देख लो अभी बज गए हैं भाई सुबह के 6-7। तो भाई चलो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट, बताऊंगा हुआ क्या, सारी एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। मतलब कि भाई क्या लेते हैं, चप्पल चप्पल पहनने के बाद चलते हैं गाड़ी की ओर। ओ भाई जो ये वाली चीजें देख रहे हो, तो ये अब देखो ये चीज देख ली होगी। तो भाई देखो, अगर मान लो आपको भाग शायद अब लग दिग्गी होगी जो भाग यहाँ पे स्क्रैच लगी हुई है, और मैं बाहर खड़ा खड़ा बोला क्यों नहीं होता, भाई मैं बता दूं। देखो ये मतलब हमारी माँ ये गई और मोटर चल गई है पानी की, तो भाग ज़्यादा नॉइस है तो इसलिए मैं नहीं बोला। और भाई देखो मैंने बताया था आपको यार, घर वालों के सामने ना थोड़ा बोलने में थोड़ा वो कॉन्फिडेंट सा फील नहीं होता जो मतलब गाड़ी के अंदर बैठ के अपना प्राइवेट में होती है। तो भाई मैं बताता हूँ हुआ क्या। हुआ कुछ ऐसे कि मैंने कल भी वीडियो नहीं डाली, परसों डाली थी तो मेरे को कुछ इतना खास वो मिला नहीं रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद यार गाड़ी में ये स्क्रैच लग गए, डेंट वेंट जो भी है, ये चीज़ लगने के बाद मेरा वैसे ही दिमाग खराब, तो मैंने वीडियो डाली नहीं, मगर छोड़ यार आज ठीक है, रोज रोज वीडियो वीडियो ही बना गया, फिर उसके बाद ये काम हो गया। तो भाई हुआ क्या मैं बताता हूँ भाई, मतलब कि एक तो होता है कि नॉर्मली हल्की वल्की टच होगी, लेकिन यार ये अंदर तक घिसट गया ना ये ज़्यादा है। तो भाई जो आप वो सामने वो गेट देख रहे हो, वो वाला मतलब जब भी देखो जैसे गाड़ी आती है ना, तो हमेशा एक गेट बाहर खुलता है एक गेट अंदर खुलता है। उस दिन मतलब कि भाई लेके गया था अपना ऑफिस, आते टाइम उसने दूसरी साइड से बढ़ाई तो गेट ही साइड खुला था, और उसने देखा नहीं, जगह भी नहीं थी इतनी पर, लेकिन वो थोड़ा सा होपलेक्स हो गया। होपलेक्स होने के बाद उसने एकदम गाड़ी एकदम टकन कर दी और उस एकदम गेट में लग के फिर एकदम पीछे आ गया, उसने देखा नहीं। पीछे आने के बाद भाई वो स्क्रैच जो भी डेंट वेंट जो भी है वो लग गया। सही बता रहा हूँ भाई, यहाँ दिल पे खरोच लगी थी अगर मतलब इतनी भाई वो ये ना, जितना तुम चीज़ें प्यार करो ना उतना ही अगर मान लो उसको कुछ हो जाए तो भाई देखो दिक्कत तो होती है। चलो कोई बात नहीं भाई, लगी लगी अब तो सो बात है। फिर उसके बाद भाई हुआ क्या मैं बताता हूँ। मैं कहूँगा भाई मान लो कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना, कभी भी मतलब एक तो एक होती है मतलब जैसे नॉर्मल ठुक गई उसमें तो कुछ नहीं लगती, नॉर्मल स्क्रैच वैच लगते हैं। एक दूसरा होता है कि मान लो आपकी गाड़ी में डेंट पड़ गया, अंदर बोनट वोनट जो भी है अपने बॉडी वोडी अंदर बैठ गई। और तीसरा होता है कि भाई जिसमें गाड़ी ख़त्म ही हो जाती है, ठीक है तीसरे का तो इलाज है नहीं, लेकिन जो दो हैं स्टार्टिंग के इनका मेरे पास प्रॉपर इलाज है। तो भाई मैं बताता हूँ, अब मान लिया आपने देखी हो भाई, मैं ना इसकी जो जब जिस दिन लगी थी ना उस दिन की फ़ोटो डाल दूंगा अभी यहाँ पे स्क्रीन पे, या फिर थंबनेल में डाल दूंगा मैं उसकी फोटो। देखना वो जो आपने अभी वीडियो में देखी है ना आप स्क्रैच, वो देख लेना भाई। आप बता ही नहीं सकते कि भाई जिस दिन लगी थी ना उस दिन तो ऐसे लग गई थी कि आया है ये अलग ही चमक गई थी, और अब भाई बिल्कुल भी नहीं चमक गई। मैं बताता हूँ हुआ क्या भाई, कई बार होता है ऐसा जैसे मान लो मैं भी कॉलेज से आ गया हूँ और गाड़ी कहीं टच हो गई, अंदर बॉडी वोडी बैठ गई, डेंट वेंट पड़ गया है काफी ज्यादा। तो भाई होता क्या है कि हम ना घर पे बता नहीं पाते कि ऐसा हो गया गाड़ी ठुक गई ये वो, और हम अंदर ही अंदर अपनी बात को रखते। तो भाई मैं बताता हूँ होता क्या, मैं बताऊँ करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको ना एक अपने जो भी मिस्त्री होती है, मिस्त्री होते हैं ये गाड़ियों से रिलेटेड, इनसे एक अच्छी जान पहचान बना के रखनी, जिसे बोलते हैं ना अच्छी, चाहे तो आप वो कंपनी बना लो या फिर आप बना लो कहीं बाहर लोकल में, मेरी मानो तो एक कंपनी में ही बना लो, जिस कंपनी की आपकी गाड़ी है ना उस कंपनी की बना लो अच्छी खासी, मतलब जो देखते ही हाँ भी आओ आओ पहले से बाकी गाड़ी छोड़ो आप हम आपके काम करेंगे, ये करना है ठीक है। उसके बाद जैसे मान लो आपकी गाड़ी में लग गई कोई स्क्रैच 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 लगने के बाद जो भी है डेंट वेंट लगने के बाद भाई
हो, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो, जैसे ये लगा हुआ ना, यहाँ मान लो यहाँ पे लग गई, तो ये ना टायर के ऊपर एक बॉडी होती है, वो खुल जाती है। खुलने के बाद आपको इसके ऊपर डालना है गर्म पानी। गर्म पानी जैसे ही डालोगे, अपना हाथ अंदर बढ़ा के ऐसे ऊपर कर देना, ये जो भी डेंट होता है अंदर वो सब निकल आएगा ऊपर से, मतलब पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी। फिर अब बात आई उसके ऊपर स्क्रैच की, तो भाई स्क्रैच के ऊपर देखो करना क्या है कि हल्का हल्का ना एक चूना सा आता है, वो चूना भर दे उससे, आप कह देना कि भाई इसके अंदर ना हल्का चूना भर दो, वो हल्का हल्का चूना भर देगा। चूना भरने के बाद भाई इसके ऊपर वो रबिंग क्रीम जो भी होती है, और हल्का सा वो पेंट मार देंगे, पेंट हल्का सा बिल्कुल। इनका आप लोकल से करवाओगे ना, लोकल के पास देखो भाई, लोकल ही पेंट होता है वो, ज्यादा से ज्यादा महीना 20 दिन टिकेगा, और जब भी उतर जाएगा। कंपनी में ये होता है ओरिजिनल पेंट, वो उतरेगा ही नहीं। लगाने के बाद जो उसके ऊपर एक ब्रश चलती है ना, वो चला देगा उसके ऊपर, और मान लो जैसे कहते हैं ना बिल्कुल इक्वल। मैं कह रहा हूँ कोई बंदा हाथ लगा के बता दे वो लगवाता, कोई बंदा देख के ना बता भी नहीं सकता कि गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हुई है। ठीक है, सेम काम मैंने करवाया, हम गए सीधा कंपनी में। अच्छी मतलब था एक जान का, उसने जाते ही कर दिया, बाकी गाड़ी छोड़ी कि भी आओ गाओ साहब, पता ही आपको बगैसा के तो फैन सब्सक्राइबर, तो भाई वहाँ कुछ 2-3 सब्सक्राइबर मिले गाड़ी देख के। फिर भाई उसने किया किया, वो बोला कि भाई देखो अभी तो मैं इसको पेंट करके आपका काम चला दूंगा, लेकिन आपको संडे को आना है, संडे को मैं प्रॉपर करके दे दूंगा, क्योंकि उस दिन हमें भी जल्दी थी एक काम के लिए, और उस भाई को भी थी। तो उसने कहा कि भाई आप संडे को आ जाओ, संडे को मैं आपकी गाड़ी प्रॉपर ही ठीक करके दे दूंगा। मतलब कि अभी तो उसने क्या किया, अंदर गया उसने ओरिजिनल पेंट लिया जिसे बोलते हैं, उसने हल्का हल्का टच किया और मिला दी। वो कहेगा आप जितना गाड़ी को साफ करोगे ना, उतना ही ये अपना इसमें मिक्स जाएगा, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें पक्का इलाज चाहिए। तो उसने कहा कि आ जाना, मैं इसके ऊपर पुट्टी उट्टी वगैरह अच्छे से गबिंग वबिंग का गेम लगा के इसको ऐसा कर दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा भाई, मतलब ये चीज है। तो ठीक है भाई, और कभी हो जाए तो इंसिडेंट आपके साथ, तो ऐसा ही करना। आपको एक बार मेरे साथ भी हो गया था, तो सेम एज वेल अपना किसी अच्छे खासे मिस्त्री से जानकारी बना के रखो। ठीक है भाई, और जाते ही हो जाएंगे सारे काम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपना हिम्मत रखो भाई, जिंदगी उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद ना आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई क्या हुआ क्या नहीं। अपना नॉर्मली गाड़ी आपकी जैसी है वैसी गई, वैसी ही रहेगी। तो भाई ये चीज़ है, कभी भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो तो आपको ये चीज़ करनी है, और जितना हो सके भाई लोकल को अवॉइड करो। ठीक है, लोकल के पास लोकल ही पेंट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा महीना 20 दिन, और वो पीला पड़ जाएगा वो अलग। कंपनी के पास मान लो ये पेंट ना निकल भी जाए ना, उस बंदे ने गारंटी देगा ये पेंट निकल जाए तो बता देना। ठीक है, तो भाई ये थी वीडियो, बाकी कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं। अब करते हैं वो गाड़ी का इग्निशन ऑन। और हाँ भाई, अगर आप चाहते हो भाई, मैंने इसकी जहाँ से गाड़ी निकलती है बढ़ती है वो गेट में से, उसकी एक मैं सोच रहा हूँ एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ, ताकि आपको और समझ में आ जाए, थोड़ी एक मतलब ड्राइविंग की टिप्स हो जाएंगी। और देख लो अभी बज गए भाई सुबह के फोकस नहीं होगा यहाँ पे, ये देख लो सुबह के 6:24, और अभी इसने ऑन होते ही बोला गुड मॉर्निंग। अब हम करते हैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट। भाई गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा एक चीज देखने की, गाड़ी आपकी हमेशा न्यूट्रल में होनी चाहिए। बहुत से भाई क्या करते हैं कि अपना गियर में लगे रहते हैं, क्लच दबा के स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही क्लच छूटती है वो अपना आगे बढ़ जाती है, कुछ ना कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। और हमेशा हैंड ब्रेक आपका खिंचा होना चाहिए। ठीक है, और देख लो जैसे ही गाड़ी मतलब भाई मैंने स्टार्ट की ना, ये देख लो आरपीएम कितना हाई जा रहा है, देख लो आरपीएम कितना हाई पे हो गया, कोल्ड हीट की बिल्कुल कोल्ड पे, क्योंकि रात वक्त मान लो भाई थोड़ा ठंड का सीजन होने लग गया है, 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है, और फ्यूल गाड़ी में भी आधी टैंक है। देखो क्या मतलब आरपीएम कितना हाई गया है एकदम। और भाई देखो अभी तो नॉइस है गाड़ी में, मैं बस शीशा खोल के दिखा दूं, देखो क्या भाई अभी तो नॉइस है, ये देखो ये आ गया नॉर्मल बिल्कुल, ये होगी ना बिल्कुल गाड़ी, अब होगी बिल्कुल मक्खन। तो भाई आपको यही चीज करनी है, जब भी आप मान लो गाड़ी में बैठो, चाहे बगैरा नहीं, चाहे कोई सी भी गाड़ी हो, एक्स वाई जेड, डीजल, पेट्रोल, जैसे ही आप गाड़ी को स्टार्ट करो कम से कम भाई 2 मिनट आपको बैठना है। ये नहीं कि बैठते के साथ ही आप मतलब कि अपना गियर लगाया और चल दिए, भाई ये चीज अब ये गलती नहीं करनी आपको, इससे आपके इंजन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। जब तक आपकी गाड़ी ऐसे नॉर्मल नहीं हो जाए जब तक आपको खड़े रहना है, थोड़ा उसको भी रेस्ट देना, और ये नहीं कि अपना चलते के साथ ही सब कुछ ऑन, नहीं थोड़ा रेस्ट दो, वरना यही बात हो जाएगी। जैसे मान लो आप सो गए आपके मुंह के ऊपर कोई पानी फेंक दे तो वही बात हो जाएगी। तो भाई देख लो इतना फ्यूल है,
और आपने पिछली वीडियो में देखी हो तो जब कितनी चल गई थी होगी, वो ही फ्यूल चल गया। अब देख लो किलोमीटर इतनी चल चुकी है और इतने तेल में चलेगी भाई, ये इंजन दिखा गया 26.5 की। और हाँ भाई, तीन चार भाई कमेंट आए भाई मेगी बगेजा ना यार 10 से ऊपर नहीं देगी। एक भाई का भाई मेगी 12 से ऊपर नहीं देगी, क्या भाई मेगी लास्ट 15 बड़ी मुश्किल से आई है। तो भाई ये देख लो यहाँ तो 21.6 की आ गई, अपना काम से कोई दिक्कत ही नहीं है। पता नहीं भाई तुम कैसे नहीं निकाल पाते यार, मैं तो एसी ऑन के साथ निकाल देता हूँ इतनी। और सोच मैं एसी बंद कर दूंगा जब कहाँ जाएगी एवरेज, जब कितने दिन चल जाएगा पेट्रोल। ठीक है तो भाई ये थी वीडियो, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई जैसी भी आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहो। एक सरप्राइज है वो शायद मैं क्या पता नेक्स्ट वीडियो में रिवील कर दूं या फिर अपने थोड़े दिनों बाद, तब तक आप सोचो क्या क्या वो सरप्राइज होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।